ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने रांची स्थित सूचना भवन सभागार में प्रेस वार्ता कर विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग अबुआ आवास निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार तेजी ला रही है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं, उसमें से 29.97 लाख आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है, जिसमें करीब 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। पिछले 4 वर्ष की उपलब्धि और आगे की कार्य योजनाओं से अवगत कराते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि विभाग बंजर भूमि पर काटा रहित कैक्टस के पौधे लगाने की योजना पर कार्य कर रहा है। ये पशु चारा के साथ वेगन लेदर निर्माण में भी काम आएगा। और साथ ही वैसी महिला दुस्साहरित ग्राम योजना की गाँवों में बहुत डिमांड है। लोग चूंकि इसमें फलदार वृक्ष लगा सकते हैं अपने मनरेगा योजना का उपयोग करके, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और अब तक जो है कुल 1,10,665 एकड़ बागवानी की गई है, जिसमें 1,27,381 परिवारों को लाभ पहुंचा है। आपको मैं बता दूं कि इसमें एक अभी हम लोग नॉन फाइनेंशियल MOU करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। और वो इसमें एक है कि आजकल जलवायु परिवर्तन के चलते कई चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो बोलते हैं कार्बन के अवशेषण के लिए भी पैसे मिलते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि पेड़